जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल जे जी डी एल क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह से क्रोशे से बड़ी प्यारी सी और बिल्कुल सिंपल सी ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस हमने दो रंग से बनाई है, शी ग्रीन और पिंक कलर से बनाई है। और इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने बनाया है, इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई की ऊन का यूज़ किया है और 12 नंबर के क्रोशे का यूज़ किया है। और इस ड्रेस को हम सभी साइजों में इस वाले डिजाइन को कम ज़्यादा करके बना सकते हैं। तो चलो हम ये डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले उनके अंदर हम 15 चैन बनाएंगे। पंद्रह चैन बनाने के बाद एक चैन बनाएंगे, पहली चैन को स्किप करेंगे, अगली चैन के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशा बनाना है। तो सिंगल क्रोशा एक लूप क्रोशा में रहता है, एक नीचे से लेते हैं, दो का एक करते हैं। इस तरह में 15 चैन के अंदर 15 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह 15 चैन के अंदर 15 सिंगल क्रोशे बना ली। इस तरह को चोली में काउंट नहीं करते हम, ये हमारे ऊपर बॉर्डर की रहती है। फिर यहाँ पे हम शुरू में 3 चैन बनाते हैं। अपने वर्क को टर्न करेंगे, सभी जगह हमें एक ही जगह पहली चैन में पहला डबल क्रोशिया हो गया, फिर इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाते हैं। तो पहली चैन में हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हमें हर चैन के अंदर एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया बना के अपनी इस रो को कंप्लीट करेंगे और इसके लास्ट में हमारे 30 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इससे मैंने अपनी रो कम्प्लीट कर ली है और इसके लास्ट में हमारे 30 डबल क्रोशिया हो गए। अगली रो हमारी हाफ डबल क्रोशिया की बनेगी। तो शुरू में हम 2 चैन बनाते हैं। अपने वर्क को टर्न करेंगे, पहली चैन में पहला हाफ डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 चार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। पांचवी चैन के अंदर हमें एक ही जगह 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर आगे की 3 चैन के अंदर हमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। चौथी चैन में हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब आगे की हर चौथी चैन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। शुरू में मैंने 4 हाफ डबल क्रोशिया बाद पांचवें बनाया था। इस तरह से कंप्लीट करूंगी और लास्ट में इसके अंदर हमारे 36 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह हमारे इसके लास्ट में 36 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। लास्ट में हमारे यहाँ पे 5 चैन बचती हैं 2 बनाने के बाद। तो मैंने 5ों के अंदर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके अंदर अपनी 3rd रो बनाएंगे जिसके अंदर अपनी बाजू बनाएंगे। तो शुरू में 3 चैन बनाते हैं, पहली चैन में पहला हाफ डबल क्रोशिया हो गया। आगे की 4 चैन के अंदर हमें पहली चैन के अंदर हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। फिर आगे की 4 चैन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना। तो आगे के पार्ट के हमारे ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 8 चैन स्किप कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नौवीं चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। पीछे के पार्ट के हमें 10 डबल क्रोशिया बनाना है, एक बना लिया 9 और बनाएंगे उसमें। तो पीछे के पार्ट के हमारे 10 डबल क्रोशिया हो जाते हैं। फिर 8 चैन स्किप कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 नवी के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे के पार्ट के हम 5 डबल क्रोशिया बना के अपनी रो को कंप्लीट करते हैं। इस तरह हमारी ये दोनों बाजू बन गई, तीनों पार्ट डिवाइड हो गए। अब इसके अंदर हम 3 चैन बनाएंगे, कुल इसके अंदर हमारे 20 डबल क्रोशिया हो गए। 20 चैन के अंदर हमें 20 डबल क्रोशिया बना के अपना चोली को लंबाई तक हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह हमारे 20 चैन के अंदर हमने 20 डबल क्रोशिया बना के अपनी चोली को लंबाई तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे शुरू में हम 3 चैन बनाएंगे, पहली चैन में तो पहला हाफ डबल क्रोशिया हो गया। आगे की सभी चैन में हमें एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है, सॉरी हमें डबल क्रोशिया की रो बनानी है। आगे की सभी चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं।
और शुरू के लास्ट की चैन में हमें एक एक डबल क्रोशा बनाना है। तो इस तरह बनाते हुए मैं अपनी इस रो को कंप्लीट करती हूँ। इस तरह बनाते हुए इसके लास्ट में आ गए हम। लास्ट पे मैंने एक डबल क्रोशा बनाया। अब इसे यहाँ पे ये तीन चैन स्किप कर देंगे और डबल क्रोशिया की जो चैन है इसे यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया से हम ज्वाइन कर देंगे। फिर यहाँ पे हम तीन चैन बना लेते हैं। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर आगे दो चैन स्किप करेंगे, एक रिंग दो चैन स्किप। अगली चैन के अंदर हमें तीन डबल क्रोशिया बनाने, एक दो तीन डबल क्रोशिया इसी चैन में बनाने में। एक ही चैन में हमने तीन डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पे हम दो चैन बनाएंगे, अब इसी जगह तीन डबल क्रोशिया और बनाए, तो हमारी एक चैन के अंदर छह डबल क्रोशिया हो गए। तीन डबल क्रोशिया पहले बनाए, फिर दो चैन बनाई और फिर तीन डबल क्रोशिया बनाए, बीच में हमें दो चैन स्किप करनी है। आगे एक रिंग दो चैन स्किप करेंगे, तीसरी चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर दो चैन स्किप करेंगे, एक रिंग दो, तीसरी चैन के अंदर हमें पहले एक ही चैन के अंदर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, दो तीन, फिर बीच में हम दो चैन बनाएंगे, फिर इसी जगह इसके अंदर हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन, फिर दो चैन स्किप करेंगे, तीसरी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बना, फिर दो चैन स्किप करते हैं और तीसरी चैन के अंदर हमें छह डबल क्रोशिया बनाने एक ही जगह पे, जिसमें तीन डबल क्रोशिया पहले बनाते हैं, फिर बीच में दो चैन और इसी जगह तीन डबल क्रोशिया और। इस तरह हमारा ये राउंड कंप्लीट होता है। इस तरह बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में मैंने यहाँ पे छह डबल क्रोशिया बना लिए। अब आगे हमारे दो चैन हैं, स्किप कर देंगे। अब ये हमारे एक दो तीन चार पाँच छः जगह बने। अब ये दो चैन स्किप कर देंगे और जो हमारा ये तीन की चैन का एक डबल क्रोशिया था, इसकी तीसरी चैन के अंदर हम इसे यहाँ पे एक दो तीसरी चैन के अंदर इसे स्लिप चैन से हम ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे अब एक चैन बनाए और जो हमारा ये वाला डबल क्रोशिया है तीन की चैन का, इसके ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो लूप लेंगे, फ्रंट पोस्ट बनाने के लिए हमें चैन में से नहीं बनाना होता, जो हमारा डबल क्रोशिया होता है उसके नीचे से बनाते हैं। इस तरह से क्रोशिया को उसके इस तरह से, ये डबल क्रोशिया है जो हमारे क्रोशिया के ऊपर आता है, इस तरह से इसके अंदर से लूप निकालेंगे। ये लूप थोड़ा लंबा लेते हैं और फिर इसे डबल क्रोशिया बनाते हैं, दो दो का एक। इस तरह से हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया। अब आगे हमारे ये छह डबल क्रोशिया आ गए जो हमने एक ही चैन में बनाए थे, इनके अंदर हमें बैक पोस्ट बनाना है। फ्रंट पोस्ट हमने क्रोशिया को नीचे से लिया था, इसमें हम पीछे से लेंगे। तो जो हमारे इधर के साइड के तीन डबल क्रोशिया है, इसमें पहले वाले डबल क्रोशिया को तो छोड़ देंगे हम, इसके ऊपर हमें कोई वर्क नहीं करना है। आगे जो दो डबल क्रोशिया है इनके ऊपर हमें बैक पोस्ट बनाएंगे। तो क्रोशिया के अंदर ये लूप लिया मैंने और बैक पोस्ट के लिए इस तरह से पीछे से पीछे से लेंगे, तो क्रोशिया हुक हमारा इस तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर आता है। इस तरह से फ्रंट पोस्ट में हमारे डबल क्रोशिया क्रोशिया हुक के ऊपर आता है और बैक पोस्ट में डबल क्रोशिया के ऊपर हमारा क्रोशिया आता है। ये फ्रंट पोस्ट बनता है और इस तरह से बैक पोस्ट। तो हम पीछे से लेंगे, लूप लिया मैंने, पहले वाले को छोड़ देंगे, दूसरे के अंदर पीछे से क्रोशिया को डालेंगे, इसके ऊपर क्रोशिया लेके पीछे से लूप लेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। एक फ्रंट पोस्ट बना लिया, दूसरे पे इसी तरह से क्रोशिया हमारे डबल क्रोशिया के ऊपर आता है। इस तरह से ये दो हमने बैक पोस्ट बना ली। अब हमारी दो की चैन वाला गैप आ गया, तो यहाँ पे जिस तरह से हमने वर्क किया था, तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर दो चैन और फिर इसी जगह तीन डबल क्रोशिया। तो जिस तरह हमने पिछली रो में एक ही चैन के अंदर छह डबल क्रोशिया बनाए थे, उसी तरह से हमें दो चैन वाले लूप के अंदर छह डबल क्रोशिया बनाने और बीच में दो चैन बनानी। अब वापस से हमारे तीन डबल क्रोशिया आ गए, तो इनमें
शुरू के दो के ऊपर में बैक पोस्ट बनाना। तो इस तरह से पीछे से जाएंगे, क्रोशे को डबल क्रोशे के ऊपर से लेंगे, लूप लेके जाएंगे, नहीं तो आप इस तरह से इसको उल्टा करके भी आराम से बना सकते हैं। इस तरह से पकड़ के और फिर इसमें लूप निकाल लें, फिर ये एक डबल क्रोशा बना दी। इस तरह क्रोशा उको डाल के, आगे से क्रोशा उको डाल के फिर इसको ऐसे फोल्ड करके लूप लेके फिर आप इसे आराम से बना सकते हैं। इस तरह हमारे ये दो बैक पोस्ट हो गए। अब तीसरे को हम छोड़ देंगे। अब हमारा एक डबल क्रोशा आ गया, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो फ्रंट पोस्ट में क्रोशा उक हमारे डबल क्रोशा के नीचे से निकलता है, इस तरह हमने फ्रंट पोस्ट बना। फिर आगे छह डबल क्रोशे आ गए, पहले को छोड़ देंगे, अगले दो के अंदर हमें इस तरह से बैक पोस्ट बनाना है। बैक पोस्ट में पीछे से आता है क्रोशा हुक और फ्रंट पोस्ट में आगे से आता है। अब बीच की दो चैन आ गई, तो यहाँ पे हम छह डबल क्रोशे बनाएंगे, तीन डबल क्रोशा, फिर दो चैन और फिर तीन डबल क्रोशा। तीन डबल क्रोशा, दो चैन, तीन डबल क्रोशा, फिर बाकी के तीन डबल क्रोशा हैं। इनके अंदर शुरू की दो डबल क्रोशा के अंदर तो दो फ्रंट पोस्ट बनेंगे और तीसरे डबल क्रोशा को छोड़ देते हैं। फिर हमारा सिंगल क्रोशा आ गया, इसके ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस तरह हमारी ये रो कंप्लीट होती है। इस तरह बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आ गई हूँ। मैंने यहाँ पे छः डबल क्रोशा बना लिए। अब आगे के तीन डबल क्रोशा हैं, इसमें शुरू के दो डबल क्रोशा के अंदर हमें दो बैक पोस्ट बनाने हैं। पहला बनाया, दूसरा बनाया। लास्ट वाले को हम स्किप कर देते हैं, पहला और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट के को हम दोनों को स्किप करते हैं। फिर हमारे जो फ्रंट पोस्ट के पास में हमने चैन बनाई थी एक, वहां पे इसे स्लिप चैन से हम ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और जो फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट ही बनाना है। फ्रंट पोस्ट बन गया हमारा। अब आगे हमारी ये डिज़ाइन आ गई, इसके अंदर भी हमें फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को स्किप करेंगे और सभी के अंदर हमें बैक पोस्ट बनाना है। तो यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, दो चैन के अंदर हमारे पांच डबल क्रोशे हैं, तो पहले वाले को स्किप कर देंगे। चार के अंदर हमें बैक पोस्ट बनाना है, तो पहले वाले को स्किप कर दिया। दूसरे के अंदर एक बैक पोस्ट बनाया मैंने, एक, फिर अगले की बनाया दो, फिर अगले में तीन, फिर उससे अगले में चार। पिछली बार हमारे दो बैक पोस्ट आए थे, इस बार हमारे चार बैक पोस्ट आए। फिर सेंटर में आ गए, तो सेंटर में जिस तरह से वर्क करते हैं, तीन डबल क्रोशा, दो चैन और तीन डबल क्रोशा। अब वापस से हमारा इधर के डबल क्रोशा आ गए, तीन डबल क्रोशा तो हमारे छह डबल क्रोशा में से और दो हमारे बैक पोस्ट, तो पांच हो गए। तो लास्ट वाले को छोड़ देंगे हम और चार के अंदर बैक पोस्ट बनाएंगे। एक बनाया हमने, दो, तीन, दो बैक पोस्ट हैं उनमें से पहले वाले में बना लेंगे, चार, लास्ट वाले को हम छोड़ देंगे। तो हर बार हमारे छह डबल क्रोशिया के अलावा दो दो बैक पोस्ट इंक्रीज हो जाएंगे। पहले में हमने दो बनाए थे, इस बार हमारे चार हो गए। अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। फिर आगे हमारी डिजाइन आ गई, पहले को छोड़ देंगे और आगे के चार डबल क्रोशिया के अंदर हमें बैक पोस्ट बनाना है। एक बनाया,
दो, तीन, चार। फिर चैन वाला गैप आ गया, तो यहाँ पे हमारे 6 डबल क्रोशिया बनेंगे। पहले 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर बीच में 2 चैन बनाएंगे, और फिर इसी जगह इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं। इस तरह से हमारा ये वर्क कंप्लीट होता है हमारा। इस तरह बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आ गई हूँ। मैंने यहाँ पे 4 बैक पोस्ट बना ली, लास्ट वाले को हमने स्किप कर दिया। अब जो हमारे फ्रंट पोस्ट पे हमने एक चैन बनाते हैं, वहाँ पे इसे स्लिप चैन से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर एक चैन बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। वापस से हमारी डिजाइन आ गई। अब इसके अंदर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया, 4 बैक पोस्ट और 3 हमारे सिंपल डबल क्रोशिया। तो इसमें हम पहले वाले को छोड़ देंगे। अब इस बार हमारे 6 बैक पोस्ट बनेंगे। पहले में हमने 2 बनाए थे, दूसरे के अंदर 4 और तीसरी रो के अंदर हमारे 6 बैक पोस्ट बनेंगे, और फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना। हर रो के अंदर हमारे 2 2 बैक पोस्ट एक साइड में बढ़ जाते हैं। 3 4 5 छः, 6 बैक पोस्ट हो गए। सेंटर वाली जगह आ गई, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया। तो इसी गैप के अंदर हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने रहते हैं, जिस तरह से हमने हर बार बनाया है, और बीच में 2 चैन बनाने। पहले को हमने स्किप किया था, यहाँ पे अब लास्ट को स्किप कर देंगे, और आगे के हमारे 6 डबल क्रोशिया इनके अंदर बैक पोस्ट बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 छः, सातवें को स्किप कर देंगे, और फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट होगी, और इसके आगे की रो भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। आगे की रो में अब हमारे 8 बैक पोस्ट हो जाएंगे। पहले वाले को स्किप कर देंगे और लास्ट वाले को। तो मैं दोनों रो निकाल के कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गई हूँ मैं। जो हमारा डबल क्रोशिया की चैन है, सॉरी फ्रंट पोस्ट की चैन है, वहीं से स्लिप चैन से जोड़ के अपनी उनको हम कट कर देते हैं। इस ऊन को हम पीछे की तरफ एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से हमारी ये डिजाइन कंप्लीट हो गई। इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 लाइनें बनाई हैं, 1 2 3 4 5 लाइनें बनी। तो ये हमारे 3 नंबर की लड्डू गोपाल की ड्रेस है, 3 और 4 नंबर की। तो जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी ये डिजाइनें बढ़ती जाएंगी। तो हर के अंदर हमें एक एक डिजाइन बढ़ानी है। 3 नंबर में हमने 1 2 3 4 5 लाइनें बनाई है, इस तरह से 1 2 3 4 5वीं हमारी बन रही है। 4 में 1 डिजाइन और बढ़ा लेंगे, 5 में 1 डिजाइन। जैसे जैसे साइज कम करेंगे, 2 के अंदर हम 1 डिजाइन कम कर दें तो हमारी 4 ही बनेंगी। 1 के अंदर हमें 3 ही बनानी है, 0 के अंदर हमें 2 या 3 ही बनानी है, क्योंकि 0 और 1 की ड्रेस लगभग सेम होती है। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन गया। अब अपना सेकेंड कलर लेती हूँ, जो मैं पिंक कलर लेती हूँ। तो जो हमारा ये टॉप है, इसके ऊपर यहाँ इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक चेन से मैंने ज्वाइन कर लिया, फिर यहाँ पे मैं 1 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 2 चैन, फिर इसी जगह इसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया और 2 चैन हो गए। फिर आगे की चैन के अंदर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 5 6
सात आठ, आठ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक दो तीन चार पांच चैन बनाएंगे, फिर नीचे हमारे यहाँ पे एक दो तीन चैन स्किप हो जाती है इधर की तरफ, एक फ्रंट पोस्ट की तरफ, और दूसरी तरफ भी एक दो तीन चैन स्किप कर देंगे, चौथी चैन के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ सिंगल क्रोशिया बनते हैं हमारे। बीच में हमें पांच चेन बनानी है, तीन तीन चेन दोनों साइड से स्किप करनी है, और सेंटर के अंदर हमें दो सिंगल क्रोशिया, दो चेन, फिर इसी जगह दो सिंगल क्रोशिया, एक दो। अब आगे आठ चेन के अंदर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, तीन चार पाँच छः सात आठ, फिर एक दो तीन चैन हमारी इधर छूट गई, एक दो तीन चार पाँच चैन बनाएंगे, फिर तीन इधर और तीन इधर, एक दो तीन, तो कुल हमारी छः चैन स्किप हो जाती, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर इधर से एक दो तीन, और चौथी चैन के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशिया, तो हमारे ये आठ सिंगल क्रोशिया बनेंगे। फिर टॉप पे दो सिंगल क्रोशिया, दो चैन, दो सिंगल क्रोशिया, बीच में पांच चैन, फिर आठ सिंगल क्रोशिया। इस तरह से इस राउंड को मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आ गई हूँ। मैंने यहाँ पे सात सिंगल क्रोशिया बना लिए, आठवां ये बना लिया, आठ सिंगल क्रोशिया बना लिए, और जो हमारी पहली चैन है वहाँ पे इसे स्लिप चैन से हम ज्वाइन कर लेंगे। अब जो हमारा सेंटर है वहाँ पे इसमें एक स्लिप चैन, और दूसरी स्लिप चैन से हम इसमें सेंटर में चले जाते हैं। इस रम इसके सेंटर में आ गए, इस रम मैंने से इस रम टॉप पे आ गए। अब अपने इस चैन के अंदर वर्क करेंगे, तो अपने क्रोशिया के ऊपर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऊन को हम लपेटेंगे, एक दो तीन चार, फिर ट्रिपल ट्रिपल डबल क्रोशिया हो गया हमारा। तो अब इस लूप के अंदर इस तरह से निकालेंगे, एक बार निकाला हमने, दो बार, तीन बार, चार बार, और ये पांच बार, हमारा पांच बार निकल गया। उसके बाद इसके अंदर एक दो तीन चैन बनाएंगे, और जो हमने ये वर्क किया है इसी वर्क के अंदर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना फिर एक दो तीन चार बार लूप लेंगे, और जो ये वर्क है इसके अंदर से एक लूप और निकालेंगे, और दो दो को एक बार निकालते हैं, एक बार दो को निकाला, दो बार, तीन बार, चार बार, ये पांच बार हमारे दो के एक निकलते हैं, फिर तीन चैन बनाएंगे हम, फिर इसी जगह इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं जो हम ये वर्क करते हैं उसी के अंदर, फिर एक दो तीन चार बार लेते हैं, अपने इसी के अंदर वर्क करेंगे, एक बार निकलता है, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, फिर तीन चैन लेंगे, अपने इसी वर्क के अंदर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। इस तरह इसके अंदर मैं आठ बार बनाऊंगी, तीन बार मैंने बना लिया है, पांच बार और बनाती हूँ मैं। इस तरह मैंने ये आठ बार बना लिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और तीन की चैन बना के एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब इसके टॉप पे से यहाँ पे जहाँ पे हमारी दो चैन है एक सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन कर देते हैं। अब अगले में वर्क करेंगे तो वही चार बार लेंगे, एक दो तीन चार, और फिर अपने इस वाले पाँच की चैन के लूप में लेंगे, एक लूप लेते हैं, फिर दो दो को लूप को हम निकालते हैं, तो पाँच बार निकलता है हमारा, दो तीन चार पाँच, फिर तीन चैन बनाते हैं, और जो हमने ये वर्क किया है इसी के अंदर यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया से बना देते हैं, फिर चार बार लूप लेते हैं हम, नीचे के लूप में से एक लूप और निकाल, फिर ये दो दो के लूप को हम निकालते हैं, दो बार निकाला, तीन बार, चार बार, पाँच बार, फिर तीन चैन लेते हैं,
इसी जगह इसके अंदर एक सिंगल क्वेश्चन बना देते हैं। इस तरह से हमारा ये वर्क कंप्लीट होगा। तो मैं ये कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने सभी डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में यहाँ पे जहाँ पे टॉप पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करके अपनी उनको मैंने कट कर दिया है और उनको फिनिशिंग से एडजस्ट कर दिया। इसके ऊपर का मैंने बॉर्डर भी बना लिया है यहाँ पे। इसके अंदर मैंने एक डबल क्रोशिया के अंदर दो दो हाफ डबल क्रोशिया बना के इसे इस तरह से बॉर्डर बनाया है। कॉर्नर पे दो हाफ डबल क्रोशिया, दो चैन और हाफ डबल क्रोशिया एक ही चैन में बनाते हैं। फिर पीछे एक एक चैन स्किप करके दो दो हाफ डबल क्रोशिया बनाए। इस तरह से मैंने इसका बॉर्डर बनाया है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।